11 महीनों के अंदर ये जो सफर था, इस सफर ने प्रदेश के अंदर इस कम समय में जननायक जनता पार्टी को जहां एस्टैब्लिश करा, वही प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा रीजनल दल बनकर 15% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 10 MLA को लेकर जननायक जनता पार्टी को इस छोटे से समय में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनाने का काम किया। आज विधायक दल की बैठक थी, विधायक दल की बैठक के अंदर रामकुमार गौतम जी द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिसको रामकरण काड़ा जी ने और रामनिवास जी ने सेकंड किया। विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे उपनेता के तौर पर चौधरी ईश्वर सिंह जी को और पार्टी के चीफ व्हिप के तौर पर अमरजीत डांडा जी को चुनने का काम किया। उसके बाद ये निर्णय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पास हम लेकर गए, उन्होंने भी इसको अप्रूवल दी और उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आग्रह किया कि फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्रदेश के अंदर कैसे आगे चला जाए, किस विषय को लेकर प्रदेश के अंदर आगामी कदम उठाया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी तौर पर अधिकृत है कदम उठाने के। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने अपने सुझाव रखे, थोड़ा पीछे हो जाओ यार। कई साथियों ने जहां बात करी कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जाए, कई साथियों ने ये विषय रखा कि बीजेपी के साथ चर्चा कर सरकार बनाई जाए। प्रदेश के अंदर मजबूत मैंडेट किसी को भी नहीं मिला। 11 महीनों के अंदर ये जो सफर था, इस सफर ने प्रदेश के अंदर इस कम समय में जननायक जनता पार्टी को जहां एस्टैब्लिश करा, वही प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा रीजनल दल बनकर 15% से ज्यादा वोट शेयर के साथ 10 MLA को लेकर जननायक जनता पार्टी को इस छोटे से समय में एक रिकॉग्नाइज्ड पार्टी बनाने का काम किया। आज विधायक दल की बैठक थी, विधायक दल की बैठक के अंदर रामकुमार गौतम जी द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया, जिसको रामकरण काड़ा जी ने और रामनिवास जी ने सेकंड किया। विधायक दल के नेता के तौर पर मुझे उपनेता के तौर पर चौधरी ईश्वर सिंह जी को और पार्टी के चीफ व्हिप के तौर पर अमरजीत डांडा जी को चुनने का काम किया। उसके बाद ये निर्णय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के पास हम लेकर गए, उन्होंने भी इसको अप्रूवल दी और उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी से आग्रह किया कि फॉर फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन प्रदेश के अंदर कैसे आगे चला जाए, किस विषय को लेकर प्रदेश के अंदर आगामी कदम उठाया जाए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी पूरी तौर पर अधिकृत है कदम उठाने के। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस से पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी के तमाम सदस्यों ने अपने सुझाव रखे, थोड़ा पीछे हो जाओ। कई साथियों ने जहां बात करी कि कांग्रेस के साथ सरकार बनाई जाए, कई साथियों ने ये विषय रखा कि बीजेपी के साथ चर्चा कर सरकार बनाई जाए। प्रदेश के अंदर मजबूत मैंडेट किसी को भी नहीं मिला।